बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज मोहम्मद फरहान खान अब्बासी एंड यू आर वाचिंग एग्जीक्यूटिव कोचिंग सेंटर्स जूम ऑनलाइन सेशन। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है, इट्स अबाउट इनटॉलरेंस इन सोसाइटी। जैसा कि हमने देखा कि इनटॉलरेंस का शिकार अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं उन सोसाइटीज में ज्यादा होता है, या जो बर्दाश्त की सकत उन माशरों में कम होती है, या इनटॉलरेंस बहुत ज्यादा हो जाती है जिन माशरों में रूल ऑफ लॉ प्रॉपर तरीके से नहीं होता, सोशल स्ट्रक्चर नहीं होते, सोसाइटी में ऑर्डर नहीं होता, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा क्लास सिस्टम होता है जिसकी वजह से एक्सप्लॉयटेशन यानी इस्तेहसाल बहुत ज्यादा किया जाता है। हमारे सोसाइटी में ऐसे मामलात बहुत ज्यादा है। लेकिन विद रेफरेंस टू पाकिस्तान, अ केस स्टडी ऑफ पाकिस्तान, अगर हम रीसेंट पास्ट में देखें तो यूथ बल्ज भी 62-63% है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस भी हैं, मॉडर्नाइजेशन भी है, तरक्की की तरफ भी हम जा रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो माशरा है एज ए होल, हमारी जो सोसाइटी है वो इनटॉलरेंट हो चुकी है। विद रेफरेंस टू कंपैरेटिव एग्जामिनेशन, सोशल एस्पेक्ट को अगर देखा जाए तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है सोसाइटी का, जिसको एड्रेस करना बड़ा जरूरी है। और हमारी डेली अफेयर्स ऑफ लाइफ में हमारा ये जो बिहेवियर है, ये हर जगह हमें नजर आता है। बहुत सी खामियां हम में एज ए सोसाइटी भी हैं, एज ए इंडिविजुअल भी हैं। इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला डिटेल से बात करते हैं। मैं स्क्रीन आपसे शेयर करूंगा और आज का टॉपिक देखते हैं कि किस टॉपिक पे आज हमने बात करनी है। नो, टुडेज टॉपिक इज पाकिस्तानी सोसाइटी इज बिकमिंग द विक्टिम ऑफ इनटॉलरेंस एंड इम्पेशेंस डिस्कस। यहां पर वो कह रहा है कि पाकिस्तानी सोसाइटी जो है इनटॉलरेंस और इम्पेशेंस का शिकार हो रही है। इसके ऊपर बात करें तो सोशियो पोलिटिको और इकोनॉमिक कॉजेस इम्प्लीकेशंस एंड रिकमेंडेशंस। ले जी, तो ये जो एग्जामिनर है हमें बड़ा आसान कर रहा है, यहाँ पर बड़ा इजीली हमें बता रहा है कि किन किन एरियाज पे बात करनी है और मेजर फोकस क्या है। तो एज ऑफ स्टेप नंबर वन, जिसमें हम अपने गिवन टॉपिक के सेगमेंट्स कर लेते हैं और देखते हैं कि किस किस एरिया पे बात की गई। सो द नंबर वन इज पाकिस्तानी सोसाइटी। इट मींस दैट इट इज अ क्लोज एंडेड एसे विद रेफरेंस टू पाकिस्तान ही आपने बात करनी है। अब बिकमिंग, इसका मतलब है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ये मुसलसल ऐसा हो रहा है, विक्टिम बन रही है इनटॉलरेंस की और इम्पेशेंस की। यानी हमारी जो पाकिस्तानी माशरा है वो इनटॉलरेंस और इम्पेशेंस का विक्टिम बन रहा है, नंबर वन। और नंबर टू, ये वक्त के साथ साथ चलता चला जा रहा है। अब ये तो था मेन एरिया, मेन थीम, कोर ऑफ द टॉपिक, यानी सेंट्रल आइडिया, इम्पेशेंस और इनटॉलरेंस इन पाकिस्तानी सोसाइटी। अब आगे एग्जामिनर ने कुछ हमारे लिए आसानी की है इस टॉपिक में। अब वो हमसे जो एरियाज जिस पे बात करना चाह रहा है कि विद रेफरेंस टू इनटॉलरेंस, विद रेफरेंस टू इम्पेशेंस इन पाकिस्तानी सोसाइटी, द सोशियो पोलिटिको नंबर वन, उसके बाद इकोनॉमिक कॉजेस। इसकी बात, इसका मतलब यह हुआ, द एग्जामिनर इज पॉइंटिंग आउट के सोसाइटल और पॉलिटिकल यानी एडमिनिस्ट्रेटिव और मईशत से मुतल्लिक यानी इकोनॉमिक कॉजेज क्या हैं इस इम्पेशेंस के। तो ये हमारे लिए ये ऐसे आसान इसलिए होता चला जा रहा है कि इसमें एग्जामिनर हमें जो ऐसे की बॉडी में हम जब वेरिएबल की हेडिंग्स देते हैं, मेजर पोर्शन की हेडिंग देते हैं, मेन हेडिंग्स देते हैं, तो वो भी हमसे पूछ रहा है, यानी सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉजेज लिखनी है, इम्पेशेंस और इनटॉलरेंस इन पाकिस्तानी सोसाइटी। नंबर टू वेरिएबल भी हमें बना हुआ ही मिल गया इसी टॉपिक में, और बहुत से ऐसे टॉपिक आपको मिलेंगे जिसमें स्टेटमेंट बहुत ज्यादा क्लियर होती है, इम्प्लीकेशंस यानी उसके असरात या कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं। और आखिर में एग्जामिनर हमें कह रहा है इसकी रिकमेंडेशन भी हमें देते हैं। इट मींस दैट कि पाकिस्तानी सोसाइटी में इनटॉलरेंस
और इम्पेशंस की सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉजेज बतानी है, फिर सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस बतानी है, फिर सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक रिकमेंडेशंस बतानी है विद रेफरेंस टू इम्पेशंस इन पाकिस्तान सोसाइटी एंड इनटॉलरेंस इन पाकिस्तानी सोसाइटी। तो स्टेप वन से तो हमने अपने ऐसे को अंडरस्टैंड किया। इसकी एक्सट्रैक्शन बड़ी ही आसान है, वेरी सिंपल सेंटेंस, पाकिस्तानी सोसाइटी इंक्रीजिंग इनटॉलरेंस एंड इम्पेशंस इट्स कॉजेस कॉन्सिक्वेंसेस एंड रिकमेंडेशन। यानी पाकिस्तानी सोसाइटी की इंक्रीजिंग इनटॉलरेंस के ऊपर बात करनी है, इम्पेशंस पे बात करनी है जो वक्त के साथ साथ ज्यादा हो रही है, इसके कॉजेस क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है और रिकमेंडेशन क्या है। स्टेप थ्री हमारा मेजर एस्पेक्ट देखते हैं, तो मेजर एस्पेक्ट तो हमने यहीं पर निकालनी है कि मेन थीम तो है पाकिस्तानी सोसाइटी में इनटॉलरेंस और इम्पेशंस का होना, और उसके बाद वो पूछ रहा है इसकी सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक कॉजेस क्या हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, सजेशंस यानी रिकमेंडेशंस क्या हैं। ठीक हो गया जी। अब आते हैं स्टेप नंबर फोर यानी थिंकिंग पैरामीटर। तो अगर आप गौर से देखें तो एग्जामिनर इस टॉपिक में हमें थिंकिंग पैरामीटर भी बता रहा है, सोशल एस्पेक्ट, पॉलिटिकल एस्पेक्ट एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट। तो सोशल एस्पेक्ट को आप सब डिवाइड कर सकते हैं, सोसाइटी को फर्दर आप उसकी आप और भी सब हेडिंग्स बना सकते हैं कि सोशल एस्पेक्ट किस किस तरीके से। तो सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ इनटॉलरेंस एंड इम्पेशंस, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इनटॉलरेंस एंड इम्पेशंस, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ इनटॉलरेंस एंड इम्पेशंस। याद रखिएगा इस तरह के एसेज या इस तरह के टॉपिक को कॉजल रिलेशनशिप भी कहते हैं, जिसमें कॉज एंड इफेक्ट है। यानी सोसाइटी की इनटॉलरेंस और इम्पेशंस में इकोनॉमी का बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसी तरह ये रिजल्ट भी यही बनेगा कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी और पॉवर्टी भी इससे फिर फर्दर जनरेट होगी जब क्राइम जनरेट होगा। रोल ऑफ एकेडेमिया एंड रिलीजन, चूंकि ऑब्वियसली बात है मैंने आपको कहा था सोसाइटी के फर्दर एस्पेक्ट की सब हेडिंग भी हम दे सकते हैं। तो सोसाइटी में ऑब्वियसली बात है तदरीस और तालीम के इदारे होते हैं जिनका काम होता है किसी भी मेंबर ऑफ द सोसाइटी को ग्रूम करना टू बी द गुड मेंबर ऑफ द सोसाइटी। यानी आप एकेडेमिक्स यानी तालीमी इदारों से जब फारिगुल तहसील होते हैं, जब अपनी डिग्रीज ले लेते हैं, तो आप सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं, बिजनेस में जाते हैं, जॉब में जाते हैं, सोसाइटी में जाते हैं, स्किल्ड वर्कर बनते हैं, आगे अब आप सोसाइटी को रिटर्न कर रहे होते हैं, तो उस जगह पर आके आपका रोल होता है। तो यहां पर हमारे मुल्क में मजहबी किरदार क्या रहा, यानी क्लर्जी का रोल क्या रहा, उलेमाए कराम का रोल क्या रहा, मजहबी इदारों का रोल क्या रहा और उसके साथ साथ एकेडेमिया का, सोशल मीडिया का क्या क्या रोल है, ये इसको फर्दर अगर आप थिंकिंग पैरामीटर में देखें तो आज की सोसाइटी को अगर देखा जाए तो सोसाइटी का जो मेजर चंक है और ज्यादातर जो अर्बन यूथ है, शहरों में रहने वाली यूथ है, दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टेड बाय सोशल मीडिया, और ये सोशल मीडिया पर ही अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं। और आपको नजर आएगा इसी तरह से ग्लोबल एस्पेक्ट्स ऑफ इनटॉलरेंस एंड इम्पेशंस क्या है, ग्लोबली कौन से ऐसे मामलात हमारे सामने आ रहे हैं, ग्लोबल कौन से इकोनॉमिक क्रंच आ गए हैं, कौन सी ऐसी डिसीजंस हैं ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में जिससे पूरी की पूरी दुनिया उसका इम्पैक्ट लेती है, उससे अफेक्ट होती है, और वो ग्लोबल डिसीजन मेकर्स के जो डिसीजंस हैं वो कहीं ना कहीं मेरी और आपकी जिंदगी पर भी असर अंदाज होते हैं। और शायद इकोनॉमिक डिस्पैरिटी आती हो, सोशल प्रॉब्लम्स आते हों, जिसकी वजह से जो पाकिस्तानी सोसाइटी है वो डायरेक्टली इस इम्पैक्ट की वजह से ज्यादातर जो यूथ है वो इनटॉलरेंट हो गए हैं आज की दौर में। रफ आउटलाइन को अगर आप देखें तो मैंने थोड़ी सी मेहनत की है इसके ऊपर। इंट्रोडक्शन, आपको पता है एक हेडिंग हमारी इट इज कॉन्स्टेंट, कॉन्सेप्चुलाइजेशन की हेडिंग कॉन्स्टेंट और कॉन्क्लूजन की हेडिंग जो है ये कॉन्स्टेंट हेडिंग्स होती है। अगर हम देखें तो कॉन्सेप्चुलाइजिंग द टर्म इनटॉलरेंस एंड इम्पेशंस, बस इन पाकिस्तानी सोसाइटी नहीं, ये जर्नल हमने कॉन्सेप्चुलाइज करना है। पाकिस्तानी सोसाइटी के ऊपर तो हमने डिटेल में बात कर ली, उसके बाद आ जाएगी पहली हेडिंग। तो अगर आप गौर से देखें तो इस टॉपिक में वेरिएबल ऑलरेडी गिवन थे, सिर्फ आपने सर्च आउट फाइंड आउट करने थे, फोकस करना था।
causative factors behind intolerance and impatience in Pakistani society, इसकी आप सब हेडिंग अगर बनाना चाहे तो बना सकते हैं, सोशल कॉजेज, पॉलिटिकल कॉजेज एंड इकोनॉमिक कॉजेज, क्योंकि उसने तीनों को हाईलाइट किया हुआ है एग्जामिनर ने अपने इस टॉपिक में। उसके बाद अगला वेरिएबल हमारा जो मेजर हेडिंग बनती है, बाकी तो इनकी ये सब हेडिंग्स बनेंगी ना, लेट्स से हम इसको खाली जगह या ब्लैंक बना देते हैं कि यहाँ पर जो भी हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे वो सब हेडिंग्स हम यहाँ पर लिख दिया करेंगे, ठीक है ना। जो भी हमारे पॉइंट्स बनेंगे उस उन पॉइंट्स को फिर हम फर्दर मिलते जुलते पॉइंट्स के क्लस्टर बनाएंगे, और कुछ ऐसे पॉइंट्स हमें मिलेंगे जो इररेलेवेंट होंगे, उनको अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग से निकाल देंगे, प्रायोरिटाइजेशन करेंगे और काम की बातें इस फाइनल आउटलाइन में लिखेंगे। तो ये आपकी सब हेडिंग हो जाएंगी। उसके बाद आपके एक और वेरिएबल हेडिंग है इम्पेशेंस एंड इनटॉलरेंस के जो इम्प्लीकेशंस हैं वो पाकिस्तानी सोसाइटी पे क्या है। तो ये जो भी पॉइंट आप बनाएंगे, यानी हम आज के इस टॉपिक में बनाएंगे, इसको हम ब्लैंक्स बना देते हैं, इसको हम बाद में जब नीट आउटलाइन करेंगे तो उसको फिल अप कर देंगे, और उन पॉइंट्स को आपस में क्लस्टर भी कर दिया जाएगा, और जो इररेलेवेंट पॉइंट है वो हमारी नीट आउटलाइन से निकल जाएंगे, यानी उसको हम वहां से डिलीट कर देंगे यानी खत्म कर देंगे, और जो हमारी फाइनल आउटलाइन होगी उसमें सिर्फ वही पॉइंट होंगे जिसके ऊपर हमने ऐसे लिखना होगा। ये मैं आप लोगों की आसानी के लिए एक जरा स्ट्रक्चर बना देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आपकी आउटलाइन इस तरह की होनी चाहिए, या आपकी आउटलाइन का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि ये आउटलाइन की सब हेडिंग्स आ जाएंगे। उसके बाद जी लास्ट वेरिएबल, चूंकि एग्जामिनर ने कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेज और रिकमेंडेशन मांगी है, तो रिकमेंडेशंस टू ओवरकम द इश्यूज ऑफ इनटॉलरेंस एंड इम्पेशंस। इसको थोड़ा सा एलैबोरेटिव कर लेते हैं इन पाकिस्तानी सोसाइटी। नहीं जी, इसकी भी सब हेडिंग्स बना लेते हैं। ये हम एक थोड़ा सा ना खाका, जिसको आप कहते हैं, एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे। इससे हमारे लिए आसानी ये होगी कि जब हम नीट वर्क करेंगे तो हमें मालूम होगा कि हमने इस फॉर्मूले को या इस पैटर्न को फॉलो करना है, इस मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंगली अपनी आउटलाइंस बनानी है। और आखिर में आ जाता है जी हमारे पास कंक्लूजन, यानी फाइनल हेडिंग। ले जी, ये हमारी एक रफ आउटलाइन तैयार होगी जिसमें हमने अपने मेजर वेरिएबल्स लिख दिए, और थोड़ा सा फासला दे दें ताकि थोड़ा सा एग्जामिनर के लिए आसानी हो। वैसे तो ये रफ वर्क में आप करते हैं, लेकिन जब नीट बनेगी तो ऑब्वियसली बात है इनको जब आपने फिल अप किया होगा तो इससे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है रीडर के ऊपर, एवेल्यूएटर के ऊपर, मार्कर के ऊपर या एग्जामिनर के ऊपर। ये तमाम नाम एग्जामिनर के ही हैं। अब आ जाते हैं जी इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है। तो जब हम ये बना लेते हैं तो उसके बाद हम करते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग, और ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑब्वियसली बात है कॉन्सेप्चुलाइजेशन वाले जो हमारा एरिया है वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारी पहली हेडिंग क्या थी, कॉन्सेप्चुलाइजिंग द टर्म इनटॉलरेंस एंड इम्पेशेंस। तो ये दो टर्म्स हैं, इसको एस भी लगा देते हैं, टर्म्स इनटॉलरेंस एंड इम्पेशेंस। तो सबसे पहले तो बात करते हैं इनटॉलरेंस एंड इम्पेशेंस होती क्या, पहले इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग मैंने थोड़ी सी की है, आपसे शेयर करता हूँ। अ बिहेवियर पैटर्न टूवर्ड्स पीपल, इवेंट्स एंड हैपनिंग्स। इनटॉलरेंस क्या होती है, ये मदर है या ये आप समझ लें ब्रीडिंग फील्ड है जहां से फसल पकती है एक्सट्रीमिज्म की। यानी जब आप बर्दाश्त नहीं कर पाते तो आप शिद्दत पसंदी की तरफ जाते हैं। तो वो कहता है ये एक बिहेवियर पैटर्न होता है किसी एक शख्स का, किसी एक सोसाइटी का, किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल का, किसी एक नेशन का, टूवर्ड्स अदर पीपल, इवेंट्स और हैपनिंग्स। जब कुछ हो जाता है, कुछ हैपनिंग हो जाती है, उसके मुतालिक a kind of emotional weakness found
among elderly parents. ज्यादातर अगर आप एज ए साइंस ऑफ बिहेवियर साइकोलॉजी की स्टडी करें, जिसको स्टडी या साइंस ऑफ बिहेवियर कहते हैं, उसमें अगर हम देखें तो ज्यादातर जब एल्डरली पर्सन आप हो जाते हैं, आपकी एज ज्यादा हो जाती है तो बर्दाश्त कम हो जाती है, छोटे बच्चों में ऐसा कम होता है। उसकी वजह यह है कि उनके अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं बच्चों में भी और एल्डरली पीपल में भी। तो ऑब्वियसली बात है सोसाइटी में इम्पेशेंस और इनटॉलरेंस, हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी पे बात हो रही है जहां पर 61-63% यूथ बल्ज है, तो ऑब्वियसली बात है उनमें तो ये इमोशनल वीकनेस प्रैक्टिकली स्पीकिंग नहीं होनी चाहिए। एन अनएक्सेप्टेबल एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर आर्ग्यूमेंट्स कॉन्सेप्ट्स एंड बिलीव्स। अब यहां से आपको समझ आएगी इम्पेशेंस और इनटॉलरेंस का कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है, कि जब लोगों के अंदर और स्पेसिफिकली पाकिस्तानी सोसाइटी में यूथ से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूं कि आप अनएक्सेप्टेबल हो जाते हैं, आप इस चीज को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते, लोगों के आर्ग्यूमेंट्स, लोगों के ख्यालात, लोगों के बिलीव्स या लोगों की राय को अंडरस्टैंड करना तो दूर की बात है, आप सुनने के लिए तैयार नहीं होते, तो इसका मतलब है आप इम्पेशेंस हैं और इनटॉलरेंट है, आप किसी को बर्दाश्त नहीं कर रहे। अ सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर, कुछ लोगों में तो बहुत ज्यादा अपने इल्म से मुतल्लिक, अपने पैसे से मुतल्लिक, अपने तजर्बे से मुतल्लिक बहुत ज्यादा सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि हमें सब कुछ पता है, हमारे पास है, तो वो लोग भी आपको इनटॉलरेंट लगते हैं टुवर्ड्स अदर, और ये एक बिहेवियर पैटर्न है और एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी है सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर फाउंड अमंग दोज पीपल हु रिमेन्ड द विक्टिम ऑफ मल्टीपल सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज। पाकिस्तानी सोसाइटी के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो इनटॉलरेंस इतनी ज्यादा क्यों है, ये एक सिंड्रोम भी है, एक बीमारी भी है जो उन मुआशरों में ज्यादा पाई जाती है जिन मुआशरों में सोशल और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी होती है, इक्वालिटी नहीं होती, बैलेंस नहीं होता, जो आपके मौके हैं ग्रो करने के, अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, बराबरी की सतह पे नहीं होती, तो ऐसे मुआशरों के अंदर भी ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर पाया जाता है। अच्छा जी, और कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं इनटॉलरेंस और इम्पेशेंस क्या होती है। अ नेगेटिव रोल ऑफ मीडिया विच प्रोपोगेट्स नेगेटिव पेसिमिस्टिक न्यूज ऑल द टाइम। याद रखिएगा पाकिस्तानी माशरे में चूंकि नेसेंट मीडिया था, नया नया आया था, अभी छोटा सा इसको ग्रूम किए इतना टाइम नहीं हुआ था, और ज्यादातर इंटेलेक्चुअल लोग हमारे सामने तो आते नहीं है मीडिया के ऊपर, वही आते हैं जिनके पास बेहतरीन अल्फाज होते हैं, या वही आते हैं जिनको बात को घुमा के करना आता है, या वही आते हैं जिनको टैक्टिक्स आते हैं टेक्निकली चीजों को डील करने के। तो अब उसमें क्या होता है, उनके पास इन रियल टर्म्स उनकी जो फाउंडेशन है वो दानिशमंदी पर नहीं होती, उनकी जो फाउंडेशन या जो ग्रूमिंग है वो विजडम पे नहीं होती, तो वो इनटॉलरेट करते हैं, बर्दाश्त नहीं करते सोशल मीडिया पे आकर या मेनस्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आकर, टॉक शोज में आकर, तो उससे एक मैसेज जनरेट होता है मैस लेवल पर, क्योंकि मैस मीडिया है, ज्यादातर लोग इसको फॉलो करते हैं, उस रिएक्शनरी बिहेवियर से जो कि पॉलिटिकल या एकेडेमिक या स्कॉलरली, बड़े लोग जब मीडिया पे आके इस तरह की हरकतें करते हैं तो मुझे और आपको एक मैसेज मिलता है कि नाउ इट इज द वे ऑफ टॉकिंग, इट इज द वे ऑफ एक्सप्रेशन, इट इज द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप जो जब जहां जैसे आए कह दें। अब इससे क्या होता है, जो नए आने वाले लोग हैं, जो यूथ है, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो इंस्पायर होते हैं सोशल मीडिया को देखकर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देखकर, करंट अफेयर के प्रोग्राम्स को देखकर, उन पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि अपनी बात मनवाने का सबसे मौसर तरीका है आप इम्पेशेंट हो दूसरे की बात की तरफ, आप इनटॉलरेट हो किसी के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में, आप किसी के आर्गुमेंट को अना का मसला बना लें, आप किसी के कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने की जरूरत ही पेश ना आए और अपनी चीज उस पर थोपना शुरू कर दे। जब हर तरफ आपको दिखाया ये जाएगा, प्रमोट ये किया जाएगा, इवन कि आपकी पार्लियामेंट के जो लाइव सेशंस आते हैं उसमें आप देख लें अब्यूजिव लैंग्वेज यूज होती है, बड़े बड़े लीडरान जो हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के, बड़े बड़े सितारे जो हैं, ये जब परफॉर्म कर रहे होते हैं अपनी इलेक्शन कैंपेन्स में या कैनवासिंग में,
तो आप देखते हैं कि ये बड़ी नेगेटिव लैंग्वेज, नेगेटिव जेस्चर, नेगेटिव आर्ग्यूमेंट, हेट्रेड को प्रमोट करते हैं। तो इसको भी जब हम एब्जॉर्ब करते हैं या जब यूथ एब्जॉर्ब करती है, उससे भी इनटॉलरेंस आती है। तो ये एक नेगेटिव रोल है मीडिया का, और मीडिया नेगेटिविटी को ज्यादा प्रमोट करता है रादर देन पॉजिटिव आस्पेक्ट्स को। यूजली पीपल आर ईगर टू रिएक्ट प्रॉम्प्टली, दैट मेक्स देम इंपेशेंस एंड इनटॉलरेंट। याद रखना, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ सीएसएस पीएमएस जुडिशरी, आप लोगों को एक चीज याद रखनी है कि आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होता है। तो जब आप प्रॉम्प्टली रिमार्क्स करते हैं तो इसका मतलब आप सोच समझ के नहीं करते, यू आर नॉट अ गुड लिसनर, आप बात को समझ नहीं रहे, आप किसी भी चीज को अपने तनाजरों में देख कर रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये भी आपकी इम्पेशेंस और इनटॉलरेंस शो करता है, जो कि सिविल सर्वेंट का एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। एक्सेसिव वेल्थ एंड पावर इज द रूट कॉज ऑफ इनटॉलरेंस। ज्यादातर माशरों में देखा गया है, इंडिविजुअल स्टडीज में भी ये देखा गया है, सोसाइटल स्टडीज में भी ये देखा गया है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी ये देखते हैं, सोशियोलॉजिस्ट भी ये देखते हैं कि जो अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज है, एक्सेसिव अकोमोडेशन ऑफ वेल्थ है, वो भी बाज़कात इंसान की ग्रूमिंग को डैमेज करती है और लोग इनटॉलरेंट होते हैं। नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ अदर्स इक्वल टू वन्स ऑन एबिलिटी, नॉलेज एंड विजडम, ये बहुत बड़ी बात है, ये मैं इससे कुछ हिस्सा इसका पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूं। यानी व्हेन समवन इज अज्यूमिंग और कंसिडरिंग हिमसेल्फ मास्टर ऑफ ऑल थिंग्स, everyone has to be answerable to him or her, or everyone is inferior to him or her. तो जब आप ये attitude लेके माशरे में जाते हैं, तो obvious ही बात है, आप किसी और के wisdom को, किसी और की knowledge को, किसी और के argument को, किसी और के तरीकाकार को, किसी और की methodology को, किसी और के way of living को accept नहीं करते। तो यहां से शिद्दत पसंदी आती है। हालांकि अल्लाह का दीन इस्लाम कि जो सबसे पहली बुनियादी तालीमात हैं, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह फरमाता है, हमने आपको खुल्के अजीम पे फाइज किया, बेहतरीन अखलाक अता किए, इंडिविजुअल लाइफ में भी, कलेक्टिव लाइफ में भी, वॉर में भी, बैटलफील्ड में भी, एज ए चीफ जस्टिस भी, एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी, एज एन इंडिविजुअल भी, एज ए स्टेट्समैन भी। यानी जो इखलाकियात हैं, इंसान की जो ग्रूमिंग है, इंसान का इंसानों के साथ जो रवैया है, इसमें अगर बर्दाश्त है, इसमें अगर सब्र है, इसमें अगर बर्दाश्त और किसी की बात, किसी के अंदाज, किसी की मेथोडोलॉजी, किसी की रिएक्शन और एक्शन को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी है, तो वो दूर रस नतीज देता है और उस माशरे को, उस इंसान को, उस कौम को रेजिलियंट कॉम कहा जाता है, कामयाब कॉम कहा जाता है। यहाँ पे मैं छोटी सी मिसाल देता हूं, आपने देखा होगा आजकल एड्स आते हैं शॉक एब्जॉर्बर स्टील, शॉक एब्जॉर्बर बिल्डिंग्स, के जलजला आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, तो ये रेजिस्ट कर जाएगा, ये मटेरियल ये उसको बर्दाश्त कर जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जिंदगी में मुझे और आपको शॉक्स लगते हैं, जिंदगी में इसी तरह मुझे और आपको सच और हक पे होते हुए भी नुकसानात होते हैं, पीछे हटना पड़ता है। उसका मतलब हारना नहीं होता, उसको अना का मसला नहीं बनाते, बल्कि होता क्या है, हमें अपने आप को शॉक एब्जॉर्बर बनाना होता है, रेजिलिएंट एटीट्यूड बनाना होता है, पेशेंस शो करनी होती है, लोगों को, रवैयों को, बिहेवियर्स को, हैपनिंग्स को, इवेंट्स को टॉलरेट करना सीखना होता है। देखिएगा, क्रिकेट के मैदान में भी कहा जाता है कि बेहतरीन बल्लेबाज वो होता है जो वेट और सी की पॉलिसी के अकॉर्डिंगली, जिस डायरेक्शन में, जिस दिशा में गेंद फेंकी जा रही है, उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन मेकिंग करता है और हिट करता है, हर बॉल पे हिट नहीं करता। और बेहतरीन बॉलर भी वही होता है जो हिट होने के बाद या बैट्समैन की तरफ से काफी टफ टाइम मिलने के बाद, बाउंड्रीज पढ़ने के बाद भी अपने होश में रहता है और विकेट लेने की कोशिश करता है, या टेक्निकली सोचता है, प्लान आउट करता है, प्रेशर ले लेता है। बिल्कुल ऐसा ही आपका मुआशरे, आपकी इंडिविजुअल लाइफ, आपकी कलेक्टिव लाइफ में होता है कि आपने बहुत से लोगों को, बिहेवियर्स को, हालात को, इवेंट्स को, अकरेंसेस को, इन तमाम चीजों को शॉक एब्जॉर्बर की तरह एब्जॉर्ब करना है,
टॉलरेट करना है, सबर और तहम्मुल से डिसीजन मेकिंग करनी है, तभी आप कामयाब होंगे. द इनएबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू शो ग्रेस एंड पेशेंस. कितनी खूबसूरत बात है, यानी जब कोई शख्स इस काबिल ही नहीं होता कि वो ग्रेस शो करे, बड़ापन शो करे, यानी गलती हो गई, उस गलती पे किसी ने आपके साथ रिएक्ट कर दिया, नाउ इट्स योर टर्न, बॉल इज इन योर कोर्ट, कि अब आप उसका रिस्पॉन्स क्या करते हैं. याद रखिएगा, इंसान की जिंदगी में जो कुछ भी बुरा होता है उसमें 70% कॉन्ट्रीब्यूशन इंसान की अपनी होती है. फॉर एग्जाम्पल, आपको एक बुरी खबर मिलती है, आपके साथ कुछ बुरा हो जाता है, आपका कुछ खो जाता है, आप किसी जगह पर मैरिट पर जाते हैं लेकिन वहां पर कोई ऐसा मसला होता है कि मैरिट को वायलेट किया जाता है. नाउ इट इज योर रिस्पॉन्स विच विल डिटर्मन योर फ्यूचर एंड योर सक्सेस. अब आप उसको रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, या रिएक्ट करेंगे, या इनपेशेंट होंगे, या इनटॉलरेंट होंगे, या फिर अपनी परसीवरेंट एटीट्यूड के साथ अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे. नेल्सन मंडेला से किसी ने पूछा कि आप इतने बड़े इंसान कैसे बने, तो उन्होंने अपना एक वाकया शेयर किया. उन्होंने कहा, जब मैं प्रेसिडेंट बन गया, बाहर जेल से 27 साल की जेल काट के मैं वापस आ गया, तो हुआ ये कि मैं एक रेस्टोरेंट पे, एक आम से ढाबे पे, एक आम सी जगह पे खाना खाने गया. तो वहां पे एक शख्स खाना खा रहा था, मेरे साथ जो सिक्योरिटी के लोग थे, मैंने सोचा उस शख्स को मेरे पास ले और उसको को मेरे सामने बैठ के खाना खाया, मैं भी इसके साथ, एक आम आदमी के साथ खाना खाता हूं. वो शख्स कांपना शुरू हो गया और उसे खाना खाया नहीं जा रहा. जब नेल्सन मंडेला वहां से चला गया तो उसके सेक्रेटरी ने नेल्सन मंडेला से पूछा कि वो शख्स आपको देखकर इतना कांप क्यों रहा था, वो आपकी पर्सनैलिटी, आपके करिश्मा, आप इस चीज से इतना डर गया था, यानी इतना इंपैक्ट लोगों पे आपका है. तो नेल्सन मंडेला ने कहा, ये वही शख्स है जो रोजाना जेल के अंदर मुझ पे तशद्दुद करता था और मेरे खाने को जमीन पर फेंक दिया करता था और मुझे जहनी तौर पर तकलीफ पहुंचाता था. अब वो शख्स ये समझ रहा था कि मैं उससे बदला लूंगा, लेकिन मेरी टॉलरेट करना और सबर करना ही तो मेरी स्ट्रेंथ्स है. अब वो जो बंदा उस वक्त कांप रहा था, वो मेरे रिएक्शन के वेट की वजह से कांप रहा था, जो कि मैंने नहीं दिया. अब आप अंदाजा लगाएं, इतनी खूबसूरत मिसाल किसी बहुत बड़े लीडर से ही हमें मिल सकती है. अगली बात वो करता है, द आउटकम ऑफ एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर. ऑब्वियस ही बात है, अगर आपके अंदर एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर है, ये आउटकम भी एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर का और ये ब्रीडिंग फील्ड भी है. फील्ड होती है ना, एक खेत होता है, इट इज द ब्रीडिंग फील्ड और आउटकम ऑफ एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर. जब आप इनटॉलरेंट हो जाते हैं तो आप ब्रीड करते हैं एक्सट्रीमिज्म को. इसी तरह बहुत से लोग विद इन देयर सेल्फ एक्सट्रीमिस्ट होते हैं. तो जब कोई इवेंट, कोई इशू, कोई रिएक्शन आता है, कोई आपस में मामलात होते हैं, तो वो क्या करते हैं, इनटॉलरेट कर जाते हैं. लस्ट फॉर एक्विजिशन ऑफ मोर एंड मोर वेल्थ एंड रिसोर्सेज. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अक्सर पाकिस्तानी सोसाइटी में आपने देखा है कि लोग इनटॉलरेंट क्यों है, क्योंकि उनके अंदर लालच है, लस्ट है, क्या ज्यादा से ज्यादा मेरे पास आ जाए. और ये बिहेवियर आपको दो क्लासेस में बहुत ज्यादा नजर आएगा. एक तो एलीट और अपर मोस्ट क्लास में आपको नजर आएगा, लस्ट फॉर अकोमोडेशन ऑफ मोर एंड मोर. 30-30 शुगर मिल्स होने के बावजूद एक इनटॉलरेंट बिहेवियर है टुवर्ड्स पाकिस्तानी गरीब अवाम और माफियाज अरबों खरबों रुपया आज के इस COVID-19 की दुनिया में भी कमा रहे हैं. आप हॉस्पिटल्स में जाएं तो वो ऐसे लस्टी हैं हॉस्पिटल्स, वो सिर्फ मशीन्स उन्होंने लगाई हुई हैं पैसे बनाने की वहां पर. इसी तरह माशरे के डिफरेंट और जगहों पे जाएं, आप अपनी अदालतों में जाएं, वकला से अगर आपका पाला पड़ जाए, सिस्टम में किसी जगह आप जाएं, तो लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाह रहे हैं और रिसोर्सिस को ग्रैब करना चाह रहे हैं. एक तो ये अपर क्लास है और एक बिल्कुल लोअर क्लास है, पॉवर्टी लाइन पे जो क्लास है. अगर आप उनको फंड करते हैं, उनकी मदद करते हैं, जिस तरह के गवर्नमेंट ने एहसास प्रोग्राम के तहत 12,000 रुपए भी डिस्ट्रीब्यूट किए, जो एफ्लुएंशियल
साहिब इस्तात लोग थे, उन्होंने रमजान में उसके बाद आज दिन तक वो लोगों को या लोअर क्लास को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, उनके अखराजात, उनका खाना पीना। लेकिन आपने देखा उन्होंने भी जमा करना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब ये एक सोशल बिहेवियर है जो दो बड़ी क्लासों में, एक तो अपर मोस्ट में और एक लोअर मोस्ट में। और मिडिल क्लास चूंकि कहीं ना कहीं ग्रूम हो रही होती है, कहीं ना कहीं बिहेवियर पैटर्न लर्न कर रही होती है, कहीं ना कहीं अपने आप को बेहतरी की तरफ लेके जाने की एक कंपटीशन में होती है, तो उनमें ये बिहेवियर कम मिलता है। अब आते हैं जी कॉजेटिव फैक्टर्स ऑफ इनटॉलरेंस इन पाकिस्तानी सोसाइटी, जो सोशल भी हैं, पॉलिटिकल भी हैं और इकोनॉमिक भी हैं। नंबर वन, फेलियर ऑफ रिलीजियस क्लर्जी। अब रिलीजियस क्लर्जी का फेलियर क्या है, आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तानी माशरे में 14 अगस्त 1947 ये मुल्क मुमलकत खुदादाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मदीनातुल सानी जब मार्ज वजूद में आता है 27 रमजान की शब में, तो इसके बनाने और फाउंडेशन की जो मकसद है वो पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जब पाकिस्तान बन जाता है तो ये शिया पाकिस्तान भी है, ये सुन्नी पाकिस्तान भी है, ये बरेलवी पाकिस्तान भी है, ये देवबंदी पाकिस्तान भी है, ये अहले हदीस पाकिस्तान भी है, और आगे इनकी और सब ब्रांचेस नजर आ रही हैं। यानी एक हो मोमिन हरम की पासबानी को, जो इकबाल ने कहा था, अनफॉर्चुनेटली ये हम नहीं हो सके। इकबाल ने इवन के जवाब शिकवा में कहा था, यू तो सैयद भी हो, अफगान भी हो और बाड़ी कौमों का नाम लिया था, क्या खूब बात होती अगर तुम में से कोई मुसलमान भी हो। यानी अगर आप अंदाजा लगाएं तो हमने मकसदियत को खो दिया, और उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है रिलीजियस क्लर्जी यानी स्कॉलर्स का, जिन्होंने आपको ग्रूम करने की बजाय डैमेज कर दिया और फर्दर सेक्ट्स और फिरकों में बांट दिया। लिमिटेशन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये भी एक बहुत बड़ी रीजन है कि पाकिस्तानी माशरे के साथ एक और ज्यादती ये हुई कि ना हमारा प्रिंट मीडिया, जो कि पहले 2002-2003 से पहले प्रिंट मीडिया होता था, ना उसके पास फ्रीडम रही, ना क्लासरूम्स में फ्रीडम रही, ना सेमिनार्स में फ्रीडम रही, ना सोसाइटी को खुल के बात नहीं करने दी गई। अब जब आपको ग्रूम ही ऐसा किया जाएगा कि आपकी हैसियत और आपका स्टेटस नहीं, आप कोई बात कर सकें, आप पीर साहब को, आप इमाम साहब को, आप खतीब साहब को, आप उस्ताद साहब को सवाल कर सकें या रिएक्ट कर सकें, तो आप अपने ही अंदर एक हब्स का शिकार हो जाते हैं। यानी जब आपको सवाल करने की, बहस करने की, आर्ग्यूमेंट करने की स्पेस ना क्लासरूम में मिले, ना मदरसे में मिले, ना किसी इलेक्शन कंपेन में मिले, ना घर में मिले, ना माशरे में मिले, आप अपने ख्यालात को कैसे ग्रूम और ब्रीड कर सकते हैं, कैसे उसकी फसल को बेहतर कर सकते हैं, कैसे वो खदशात जो आपके जहनों में आते हैं एज ए यूथ, उनको दूर कर सकते हैं, जब तक के आपको एक डायरेक्शन दी जाए और एक जानवरों की तरह हांका जाए कि आपने इस डायरेक्शन में बस चलना है और जो बताया और सिखाया और दिखाया जा रहा है इसी को सच मानना है। एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए कॉर्न ऑफ क्रिएचर, एज ए अशरफुल मखलूकात, जो आपकी सबसे बड़ी ट्रेट है विजडम, सोचना, समझना। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, वलकद यस्सरनल कुरान लज़िक्र फहल मिन मुद्दक्किर, और हमने कुरान को आसान बना दिया तो कोई है जो सोचे और समझे। अब ये इंसानों से अल्लाह ताला एड्रेस कर रहा है, तो सोचने और समझने की जो एबिलिटी अल्लाह ने हमें दी, जब उसी को मादूम कर दिया जाएगा, उसी को स्नब कर दिया जाएगा, उसी को प्रेस कर दिया जाएगा, तो फिर हम रिएक्ट करेंगे और रिएक्शन में हम क्या होंगे, इनटॉलरेंट होंगे। वीक रिट ऑफ स्टेट, रियासत की रिट अमीरों पे आज तक नजर नहीं आई। आप देख लें, अभी रिसेंट पास्ट में चीनी का स्कैंडल आया, शुगर माफिया, तो चीनी अभी भी 85 रुपए से कम नहीं बिक रही। पिछले महीने पेट्रोल को सस्ता किया गया, 75 पे लाया गया। पहली बात तो पेट्रोल मिल नहीं रहा था, उसके बाद उस पेट्रोल को स्टॉक किया गवर्नमेंट से, जो पेट्रोल माफिया और 10-12 बड़ी कंपनी है उन्होंने वो पेट्रोल लेके स्टॉक कर लिया, और जैसे पेट्रोल भरा अब वो मिल रहा है। तो आप अगर देखें तो गवर्नमेंट यानी स्टेट की रिट नहीं बनती। अब जब स्टेट अपनी रिट, अपनी ताकत नहीं एस्टेब्लिश कर सकती, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस अवाम को भुगतने पड़ते हैं। इन लेटर एंड स्पिरिट वो सारे का सारा बोझ अवाम पे जाता है, वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन अवाम पे जाती है, तो फिर उससे अवाम के पास जो बचा खुचा होता है, जब वो भी
कभी बिजली के बिल में, कभी पेट्रोल में, कभी 15%, 16%, 20% जीएसटी में, कभी हर चीज को टैक्स करके जब वो लगा दिया जाता है तो एक इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी आती है जिसकी वजह से इंपेशेंस होती है. पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग स्टेट नहीं ओल्डर अमंग पॉलिटिकल पार्टीज. आप देखते हैं कि पाकिस्तान में सियासत जो है या पॉलिटिकल आर्गुमेंट जो है वो जनरेट ही इस बेस पे किया जाता है कि मैं मोमिन और तुम काफर. यानी कोई और पॉलिटिकल पार्टी, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में को पीटीआई को आसमान से तो नहीं उतरी, इसमें भी बुरे लोग हो सकते हैं. तो अगर आपने मैंने इस जमात को वोट डाल दिया और ये जमात गलत परफॉर्म कर रही है तो हमें इसको गलत कहना चाहिए, रादर देन जी नहीं अभी इसको नून लीग और पीपल पार्टी क्रिटिसाइज कर रही है तो इस वक्त आप ना भाई क्यों ना क्रिटिसाइज करें. यही तो इनटॉलरेंट एटीट्यूड होता है कि आप हर चीज को अपने अंदर नेगेटिव चीज को भी भरते जाए. टॉलरेट करना और पेशेंस से बर्दाश्त करना तो यही है कि आप हक को हक कहें, बुराई को बुराई कहें. तो जो पॉलिटिकल पार्टीज है ये अपने मेंबर्स के अंदर और फर्दर फिर अपने कारकुनों के अंदर और आम आवाम के अंदर जो इनको लाइक या डिसलाइक करते हैं एक कल्चर पैदा कर देते हैं कि हम ही हक पे हैं और बाकी सब बुरे हैं. अब जब ये ट्रेंड होगा तो ऑब्वियसली बात है जो आप जिस भी जमात के साथ होंगे अब उसके खिलाफ तो बात होगी, ऑब्वियसली बात है. उसमें इंसान है, बुराई भी हो रही है, कुछ गलत भी कर रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज फेल भी होती है. अभी 270 अरब रुपए का आया है मिसमैनेजमेंट हुई है, ऑडिट रिपोर्ट आ गई है पीटीआई की गवर्नमेंट पे. तो अब इसको क्रॉस टॉक करने की जरूरत नहीं, भाई आ गई है, गलत है, इसको ठीक करें और गलती को माने, रादर देन एक माइंड सेट ऐसा बना लेना कि हमने इसको क्योंकि वोट दिया तो सपोर्ट करना. नो वे. पाकिस्तान, तमाम पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज का, पाकिस्तान की, ये नहीं कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी बहुत अच्छी और बाकी सब बुरी, सब में अच्छे बुरे लोग हैं. बस इनको चांस मिला है, मौका मिला है, इनको परफॉर्म करने का मौका दिया जाए. अगर ये नहीं करेंगे तो हमारे पास और ऑप्शंस हैं. अब ये तो इसका तो कोई ऐसी इनटॉलरेंट एटीट्यूड है कि नहीं भी फिर किसी और को वोट भी नहीं देना, व्हाई दिस एक्सट्रीमिस्ट एटीट्यूड. तो ये चीज भी हमारे यहाँ पर जो पोलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो पोलिटिकल पार्टीज में तो होते हैं, उनके फॉलोअर्स में भी होते हैं. और मजे की बात यह है कि आपके पास इस वक्त बीसियों एग्जाम्पल्स हैं कि एक पोलिटिकल पार्टी में भी वही बंदा है और पिछली पॉलिटिकल पार्टी में भी वही था, उससे पिछली में भी वही था. तो वो हर गवर्नमेंट के साथ है, सिर्फ अपनी पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल एफिलिएशंस चेंज कर रहा है. जिस तरह दो तीन मिसालें, शाह महमूद कुरैशी साहब है, उसके अलावा गोहर अयूब के बेटे हैं उमर अयूब, आप देख लें वो पीपल पार्टी से भी इलेक्शन लड़ते हैं, नून लीग से भी लड़ते हैं, मुशर्रफ की लीग से भी लड़ते हैं, अब पीटीआई में भी है वो. तो इसका मतलब है अवाम को गलत डायरेक्शन दी जाती है. नेचुरल डिजास्टर्स, डिजीजेस मेक पीपल इनटॉलरेंट अबाउट स्टेट एंड स्टेट होल्डर्स या मेजर स्टेक होल्डर्स या स्टेट इंस्टीट्यूशंस. अच्छा, ये इसका मकसद मैं आपको बता दूं, नेचुरल डिजास्टर क्या होते हैं या डिजीजेस क्या होती हैं. कोई ऐसी आफत अगर मुल्क पर आ जाती है, जिस तरह 2004-2005 का जलजला आया था, फिर 2008 में सिंध और पंजाब में बहुत ज्यादा सैलाब आया था, फिर अभी COVID-19 आजकल 2019 के एंड में आया और फरवरी में पाकिस्तान में फैलना शुरू हुआ, जून की 28 तारीख है और 29 तारीख है और काफी फैल चुका है. तो जब नेचुरल कैलामिटी आती है, कुदरती आफत आती है, तो ऑब्वियस ही बात है वहां स्टेट को परफॉर्म करना हो, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के इदारों को परफॉर्म करना होता है, लोकल गवर्नमेंट के इदारों को परफॉर्म करना होता है, ब्यूरोक्रेसी को परफॉर्म करना होता है, प्राइस कंट्रोल को परफॉर्म करना होता है. तो ये उस मौके के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते तो परफॉर्म नहीं कर पाते. तो फिर स्टेट के जो इन इंस्टीट्यूशंस हैं, इदारे हैं, उनकी जब परफॉर्मेंस नहीं होती तो जो आम आदमी या आम मेंबर ऑफ सोसाइटी है वो इस बिहेवियर की वजह से इनटॉलरेट हो जाते हैं. जिस तरह के आजकल एशियाई खुर्दोनोश और
फ्यूल के मैटर के ऊपर है. एब्सेंस ऑफ इक्वेलिटी एंड प्रोविजन ऑफ जस्टिस. मैंने पिछले दोनों एक टॉपिक करवाया जुडिशियल एक्टिविज्म का, पेन्स एंड गेन्स का, बिल्कुल वैसी बात यहां पर भी है. वो तमाम माशरे, वो तमाम सोसाइटीज जहां पर इक्वेलिटी नहीं होगी और प्रोविजन ऑफ जस्टिस नहीं होगा, यानी आपको ये पता होगा कि आपको अदल मिले ना मिले, हकीकत सामने आने के बावजूद भी सजा मिले या ना मिले, तो तब भी एज ए मेंबर ऑफ दैट सोसाइटी आप इनटॉलरेंट हो जाते हैं. इम्प्रॉपर एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इसको आप सोशल स्ट्रैटिफिकेशन भी कह सकते हैं. यानी होता क्या है, लेयर्स बन जाती हैं माशरे के अंदर. अब होता यह है कि जब इम्प्रॉपर डिवीजन होगी चीजों की तो सोसाइटी की लेयर्स बन जाएंगी, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर क्लास, एलीट क्लास, एक्सट्रीम अपर क्लास, फिर पुअर क्लास नीचे की तरफ, और अंडर पॉवर्टी लाइन क्लास एक बन जाएगी. आप पाकिस्तान में अगर लेटेस्ट सर्वे अभी का देखें, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2020 का जो है, तो उसमें आप देख लें कि कितनी ज्यादा इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल और सोशल रिसोर्सेज है कि करोड़ों की तादाद में लोग इन 6-8 महीनों में पॉवर्टी लाइन के नीचे आ गए. अब वो जो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ गए हैं, क्या वो टॉलरेट करेंगे? जिनके पास बिजली के बिल अदा करने के पैसे नहीं है, जिनके पास ट्रेवल करने के पैसे नहीं है, जिनकी जॉब चली गई हैं, तो क्या वो खुशी महसूस करेंगे? वो खुश होंगे इस वक्त? ऑब्वियस ही बात है, एक सोशल या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में चले जाएंगे. जब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में चले जाएंगे तो हमने अगर ऊपर पीछे की तरफ आए, जब मैं कॉन्सेप्चुलाइज कर रहा था तो मैंने आपको बताया था ये एक इनटॉलरेंस बेसिकली बिहेवियर पैटर्न होता है, वीकनेस ऑफ इमोशन होते हैं, अनएक्सेप्टेबल एटीट्यूड होता है. तो अगर आप देखें तो वीकनेस ऑफ इमोशंस, अनएक्सेप्टेबल एटीट्यूड, और ये जो आपके अंदर ये चीजें हैं, तो ये कब आती हैं? जब आपसे आपका हक छीन लिया जाता है. एक्सेसिव सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्रिएट्स प्रेशर टू बिकम रिच. ऑब्वियस ही बात है, प्रेशर भी आ जाता है और कॉम्पिटिशन भी आ जाता है. कंपटीशन का लफ्जी मतलब यह है कि फिर आप मुकाबलेबाजी में आ जाते हैं कि अब आपको सिर्फ अमीर ही होना है, और अमीर आपको फिर किसी भी तरीके से होना है, तो आप इनटॉलरेट हो जाते हैं टूवर्ड्स मॉरल वैल्यूज. क्या जाहिर सी बात है, इखलाकियात को ना मानना इनटॉलरेंस टूवर्ड्स मॉरेलिटी है. जर्नल प्रिंसिपल ऑफ मॉरेलिटी को नहीं आप मानते, इस्लामिक गोल्डन प्रिंसिपल्स ऑफ वर्चू एंड वाइसेस, अच्छाई और बुराई को नहीं मानते, सिर्फ आपने पैसे को माना, तो ये भी एक रीजन है. एकेडेमिया, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज आर इन रेस टू प्रोड्यूस प्रोफेशनल्स रादर देन पॉजिटिव सोशल मेंबर्स. बहुत कमाल बात है. देखिए, हमारे प्राइवेट सेक्टर जो के पिछले 10 साल में बहुत ज्यादा प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज आपने देखे, आप तो हर जगह यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज भी हैं. तो हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, रिसर्चर्स, पीएचडीज, और एक्सपर्ट्स, और मीडिया एक्सपर्ट्स, और फला और ये और वो और हरे. क्यों? क्योंकि वो पैसे कमा सकें, क्योंकि उनका अच्छा फ्यूचर बन सके, क्योंकि वो आके अपने जितना उन्होंने लाखों रुपया खर्च किया अपने इस एकेडेमिक्स को इम्प्रूव करने के लिए, अच्छी डिग्री हासिल करने के लिए, वो करोड़ों रुपया कमा सकें अपने करियर में. असल मकसद इंस्टीट्यूशंस का, एकेडेमिया का, कॉलेजेस का और यूनिवर्सिटीज का होता है पॉजिटिव सोशल मेंबर प्रोड्यूस करना. तो पॉजिटिव सोशल मेंबर तो हमने प्रोड्यूस ही नहीं किया, हमने तो मशीन्स प्रोड्यूस की हैं पैसा छापने वाली. तो फिर सोसाइटी में आप देख लें फिर क्या होगा, और उसका रिजल्ट हमारे सामने है. एक्सट्रीम पॉवर्टी, रिलीजियंस एंड ट्रेडिशंस, ऑर्थोडॉक्सिज्म टूवर्ड्स न्यूनेस, चेंज एंड मॉडर्निटी. मॉडर्निटी के ऊपर मेरा एक टॉपिक है भी, और YouTube पे पढ़ा भी है मैंने, एक डिटेल ऐसे करवाया था. मॉडर्निटी इज एन अनएंडिंग प्रोसेस, ये शायद 2016-17 में टॉपिक आया भी था कि मॉडर्निटी, चेंज, तगैयुर, तब्दीली, इर्तका, एवोल्यूशन, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये चलता चला जाता है, ये अनएंडिंग प्रोसेस है. अब होता क्या, जब आप एक्सट्रीम पॉवर्टी में चले जाते हैं ना, तो रिलीजन, ट्रेडिशन,
और ऑर्थोडॉक्सिज्म, ये चीजें आपको समझ नहीं आती, और अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो बड़े स्ट्रिक्ट बिहेवियर के साथ फॉलो करते हैं, तो जो न्यूनेस आती है, जो चेंज आता है, उसको आप एक्सेप्ट नहीं करते, और जब आप चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप रिएक्टिव हो जाएंगे, और जब आप रिएक्टिव हो जाएंगे तो आप इनटॉलरेंट हो जाएंगे. लैक ऑफ एजुकेशन एंड प्रॉपर ग्रूमिंग, ऑब्वियसली बात है, बहुत से लोग तो जो पढ़ लिख के भी इनटॉलरेंट होते हैं, मैंने उसकी रीजन आपको बता दी. 7.5 से 8 करोड़ के करीब अवाम में पाकिस्तान में मौजूद ऐसे नौजवान हैं जिनके पास वो प्रॉपर एजुकेशन ही नहीं है, वो ग्रूम ही नहीं है सोसाइटी में बिहेव करने के लिए. तो फिर वो जिस तरह से बिहेव करना चाहते हैं वो आजादी पे बिहेव करते हैं. बल्कि हमारे आप पॉलिटिकल अगर बड़े बड़े लीडर्स को देखें ना, तो उनमें से एक लीडर तो आपको पाकिस्तान तरीके इंसाफ में ऐसे मिलेंगे जो कि किसी भी आर्ग्यूमेंट पे या किसी भी सवाल पे या किसी भी क्रिटिसिज्म पे थप्पड़ भी मार देते हैं. तो अब आप ये देख लें, ये सोसाइटी को इस तरह के लोग जब इन तरह की पोजीशंस पे मिलेंगे, तो सोसाइटी जब इनको फॉलो करेगी तो फिर क्या होगा, कलेक्टिवली हम एक गलत तरफ ही जाएंगे. स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज ड्यू टू एक्सप्लोजन ऑफ पॉपुलेशन, ये एक बहुत बड़ा इशू है. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पे भी मैं आपको इंशाल्लाह कैसे करवाऊंगा. याद रखिएगा, अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन, प्रोलिफरेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, अबंडेंस ग्रोथ, और उसके पैरेलल आप रिसोर्सेज प्रोड्यूस ना कर सकें, खुराक प्रोड्यूस ना कर सकें, मैनेजमेंट वैसे ना कर सकें, ट्रांसपोर्टेशन ना दे सकें, एजुकेशन ना दे सकें, हेल्थ फैसिलिटीज ना दे सकें, यहां तक के मुर्दों को कब्रिस्तान ना दे सकें, तो फिर सोसाइटी के अंदर स्ट्रेन आ जाता है. एक मल्टन, एक बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट हैं मल्टन, उनकी एक थ्योरी है स्ट्रक्चरल स्ट्रेन थ्योरी, कि सोसाइटी में स्ट्रेस क्यों आता है, स्ट्रेन क्यों आता है, स्ट्रक्चर सख्त क्यों हो जाता है और खिंचाव क्यों पैदा हो जाता है लोगों के अंदर. तो वो भी मैं इंशाल्लाह पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में आपसे डिस्कस करूंगा. इसी तरह एक बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट है इमाइल दुर्खाइम, उनकी थ्योरी ऑफ एनोमी है, थ्योरी ऑफ सुसाइड है, लॉलेसनेस के ऊपर उन्होंने बड़ी बात की है, इनोमिक बिहेवियर के ऊपर बात की है कि क्यों इनोमिक बिहेवियर आता है, अनएम्प्लॉयमेंट एंड हाई रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन, यानी बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, अफराते जर, महंगाई बहुत ज्यादा हो जाना, क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस, क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस आ जाता है, यानी जो गवर्नमेंट है, स्टेट है, रियासती इदारे हैं, उनका मेजर टास्क क्या है, इंतजामी अमूर को बेहतर तरीके से चलाना, और उस इंतजामी अमूर को बेहतर तरीके से चलाने को गवर्नेंस कहते हैं. तो गुड गवर्नेंस का फुकदान हो जाता है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, और जब लैक ऑफ एक्सपीरियंस होता है तो मॉडर्न वर्ल्ड, जो एक्सपेंडिंग मॉडर्न वर्ल्ड है, जो ऐसा मॉडर्न दुनिया है जो कि एक्सपेंड कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम चल ही नहीं सकते. और जब ये मामलात बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो आपने देखा होगा कि अल्टीमेटली जो प्रेशर है वो बिल्ट होता है सोसाइटी के उस सेगमेंट के ऊपर जो कि ना बहुत अमीर है और ना बहुत गरीब है, इसको मिडिल क्लास कहते हैं. इन्होंने टैक्स पे करना होता है, इन्होंने जॉबें करनी होती है, इन्होंने छोटे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज यानी बिजनेसेस करने होते हैं, इन्होंने बच्चे पढ़ाने होते हैं, इन्होंने प्रोफेशनल जनरेट करने होते हैं. तो यही क्लास अगर स्ट्रेस का शिकार हो जाएगी तो आप अंदाजा लगाएं वो कौम किस तरफ जाएगी. तो आज के लेक्चर में, क्योंकि एक डिटेल एनालिसिस करना बड़ा जरूरी था, आपको डेप्थ में समझाना बहुत जरूरी था, तो पार्ट वन में पाकिस्तानी सोसाइटी में इनटॉलरेंस के सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक कॉजेज हमने देखे, पार्ट टू में इसकी हम कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे, कुछ तो चीजें मैंने साथ डिस्कस कर दी हैं, और फिर पार्ट टू में इसकी रिकमेंडेशन हम करेंगे और बड़ी ही प्रैग्मेटिक रिकमेंडेशन करेंगे. स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मैं जितने भी टॉपिक्स, जितनी भी चीजें आपसे डिस्कस करता हूँ, बीइंग अ रिसर्च स्कॉलर, मैं इनके ऊपर काम भी करता हूँ, और ये जो आउटलाइंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, काफी रिगरस प्रोसेस के थ्रू, काफी लिटरेचर को स्टडी करने के बाद इसको मैं ब्रेनस्टॉर्म करता हूँ और फिर पेन डाउन करके टाइप करता हूँ. इसके पीछे रीजन ये है कि आप लोगों को थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज दिए जाए, नंबर वन, एंड नंबर टू, क्योंकि आपने सेल्फ राइटिंग करनी है, खुद से अटेम्प्ट करनी है, एग्जाम में खुद 3 घंटे बैठ के लिखना है, तो आपके अंदर इनकरेज किया जाए आपको कि आप एक एबिलिटी पैदा करें कि अच्छा लिटरेचर रीड करें,
आर्ग्यूमेंट्स सुने, ऑब्जर्वेशन डेवलप करें, बेहतरीन सेंटेंसेस बनाएं और विजडम को यूज करते हुए, इंटेलेक्ट को यूज करते हुए अपने थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज को जो है प्रोड्यूस करें, लिखें और ज्यादा से ज्यादा लिखें और अच्छे अच्छे आइडियाज आपके पास आएंगे और इन्हीं आइडियाज में कहीं ना कहीं इसके सॉल्यूशंस भी छुपे होते हैं। रादर देन आप किसी डाटा को क्रैम करें या जो पॉइंट्स मैं आपको पढ़ा देता हूं बस इसी को याद कर लें, इसके पीछे फिलॉसफी को अंडरस्टैंड ना करें, रीजंस को अंडरस्टैंड ना करें, ओरिजिनल इशू को फोकस ना कर सकें, बिटवीन द लाइंस इन सेंटेंसेस, इन आर्ग्यूमेंट्स और इन ऑब्जर्वेशंस को अब्सॉर्ब करने की कोशिश ना करें, तो आप किसी भी सतह पर कंपटीशन का एग्जाम पास नहीं कर सकते। बिकॉज जिस वक्त हम इस वक्त कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वी आर इन अ वेरी कंपैरेटिव वर्ल्ड और इस कंपैरेटिव वर्ल्ड में बहुत सी चीजें मॉडर्नाइज और एडवांस हो गई हैं, जिसमें अब आपकी इनपुट की जरूरत है, सेल्फ राइटिंग की जरूरत है, क्रिएटिव राइटिंग की जरूरत है। और मेरी जो क्लास सेल्फ राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग या आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड होती है, जिसमें मैं डायलॉग, डिबेट और आर्ग्यूमेंट आपके साथ करता हूं किसी भी टॉपिक पे, उसके पीछे रीजन यही होती है कि आप लोगों को इस तरह से ग्रूम किया जाए कि आप टॉपिक्स को पैक करें पास पेपर के और उन पे खुद से काम करने की कोशिश करें। और अगर कोई ऐसा एरिया है जिसके ऊपर आपके पास नॉलेज नहीं है, तो आप उसके ऊपर किताबों में पढ़ें, आपके अपने CSS PMS की जो रेफरेंस बुक्स हैं जो कि आपके कोर्स में मेंशन है उनको पढ़ें, गूगल पे आप सर्च करें, बहुत से सर्च इंजन्स हैं उन पे जाके रिसर्च पढ़ें, अच्छे अखबार हैं उनके आर्टिकल एडिटोरियल्स पढ़ें, तो आपके जहन में बहुत सी नई बातें जन्म लेंगी। आज के लिए इतना ही, विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।